गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज हम हिंदी पढ़ेंगे और बच्चों आज हम हिंदी में ए की मात्रा के शब्द करेंगे। ठीक है बच्चों? बच्चों ये आपकी हिंदी के बुक के पेज नंबर 18 पर हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम इनको पढ़ेंगे, इन शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इनको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों मेरे साथ बोलना, बच्चों ये एक ही मात्रा होती है। ठीक है, इसका साउंड आता है ए करके। ये जिस भी अक्षर के साथ लग जाती है उसका साउंड चेंज हो जाता है। जैसे क के ऊपर लगी तो क्या हो गया, के। ठीक है, और श के ऊपर लगी तो शे, और स के ऊपर लगी तो से, और ठ के ऊपर लगी तो ठे। ठीक है, ऐसे करके इसका साउंड आता है ए करके। ठीक है, जैसे रे ल। ठीक है, र के ऊपर लगी तो रे ल, रेल। श के ऊपर लगी तो शे र, शेर। स के ऊपर लगी तो सेब, सेब। और यहाँ पे देखो ठ ठ सॉरी ठ ठेरा, ठठेरा। ठ के ऊपर लगी तो ठ का क्या हो गया, ठे। ठ को क्या बोलेंगे हम, ठे, ठठेरा। ठीक है, और यहाँ पे देखो स प के ऊपर एक ही मात्रा पे, सपेरा, सपेरा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भा के ऊपर एक ही मात्रा लगी तो क्या हो गया, भेड़, भेड़, भेड़। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो बोल बोल कर पढ़िए। ठीक है, रेल, खेल, बेल, मेल, तेल, केक, नेक, टेक, शेर, बेर, ठेला, केला, मेला, चेला, बेला, ठठेरा, सपेरा, बसेरा, सपेरा। ठीक है, अकेली, सहेली, पहेली, चमेली, इसने, उसने, अपने, सपने, केवल, केवट, घेवर, जेवर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, रमेश बेर खा ले, अपने कपड़े पहन, जेब से बेर निकाल, मेरठ पढ़ने चल, खेलने के लिए सॉरी खेलने के समय खेल, देर ना कर, देश की सेवा कर, मेला देखने चल। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इन शब्दों को हम अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे, तो जल्दी से आप लोग अपनी हिंदी की कॉपी निकाल लो। बच्चों सबसे पहले हम हेडिंग मेंशन करेंगे। ठीक है, एक ही मात्रा। ठीक है, अब हम लिखेंगे बच्चों, र जमा एक ही मात्रा जमा ल, ये क्या हो गया बच्चों, रेल। ठीक है, श जमा एक ही मात्रा जमा र, ये क्या हो गया बच्चों, शेर। ठीक है, स जमा एक ही मात्रा जमा ब, ये क्या हो गया, सेब। ठ जमा ए की मात्रा जमा र जमा अ की मात्रा, ये क्या हो गया बच्चों, ठठेरा। ठीक है, स जमा प जमा ए की मात्रा जमा र जमा अ की मात्रा, ये क्या हो गया बच्चों, सपेरा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो मैंने एक ही मात्रा के आपको पांच शब्द लिखवाए हैं। ठीक है, आपको भी ये सुंदर सुंदर लिखना है अपनी कॉपी में, और बच्चों बोल बोल के लिखना। ठीक है, सबसे पहले आपको बुक रीड करनी है ताकि आपको ये शब्द पढ़ने आ जाएं। ठीक है बच्चों, आप अपने घर पे इनको पढ़ा करो, बुक पढ़ा करो ताकि आपको बुक पढ़नी आ जाए। ठीक है, और बच्चों फिर आपको ये लिखना है अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।